जब भी अलवर का जिक्र होता है तो याद आता है सरिस्का और पहाड़ियों के बीच बसे धार्मिक स्थल। कुदरती पूंजी समेटे अलवर की इन पहाड़ियों के बीच है हमारा ऐतिहासिक खजाना। खजाना जो करीब 40,000 साल से इन पहाड़ियों ने वक्त और मौसम की मार के बीच सहेज कर रखा हुआ है। अलवर के हाजीपुर डढ़ीकर गांव की इन पहाड़ियों में बने प्राचीन शैल चित्र इसका प्रमाण है। इन प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर पुरातत्ववेत्ता कई साल से काम कर रहे हैं। पिछले साल भी इस क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था से जुड़ी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नीता दुबे के साथ इनकी टीम ने इन शैल चित्रों पर रिसर्च की थी। साल से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा। और हम तो जैसे यहाँ से जन्म लिया जब से देखते ही रह रहे हैं इनको। क्या कोई इन चित्रों को देखने आया है, क्यों उसी विभाग के लोग कभी यहाँ आए हैं? हाँ, खूब आते हैं, खूब देख के जाते हैं, खूब वीडियो बना ले जाते हैं, सब काम करते हैं। डढ़ीकर गांव से थोड़ी ही दूर इन पहाड़ियों में करीब 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये चित्र बने हुए हैं। इनमें हाथी, गैंडे आदि मानव की आकृतियां बनी हुई हैं। इनके साथ ही इन पहाड़ियों पर करीब 200 शैल चित्र ऐसे हैं जिनमें युद्ध, शिकारकर्ता आदि मानव, स्वास्थ्य, मास्क पहनकर नृत्य करते मवेशी चराते चरवाहे हैं। इन सब के बीच एक रोचक शैल चित्र तो ऐसा भी है जिसमें डायनासोर जैसी आकृति भी बनी हुई है। हालांकि अभी पुरातत्ववेत्ता इसकी पुष्टि के लिए कुछ और तथ्य तलाश रहे हैं। करीब 25 साल से यहां खोज कर रहे निर्वाण बोधिसत्व ने बताया कि उन्हें इन पहाड़ियों के नजदीक रहने वाले कुछ चरवाहों ने इन शैल चित्रों के बारे में